दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट से लाखपति या फिर करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये चार पेनी स्टॉक्स को अभी खरीद लीजिए। इस लिस्ट में हमने उन पेनी स्टॉक्स को शामिल किया है जिनके वैल्यू 50 रुपीज से कम है, आरओई एंड आरओसी 15% से ज्यादा है, डेप टू इक्विटी 0.30 से कम है, प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है एंड इन फ्यूचर आपको मल्टीपल रिटर्न्स भी दे सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक बोनस स्टॉक के बारे में भी बताएंगे जिसमें SBI म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है पशुपति एक्रेलन लिमिटेड। ये कंपनी एक्रेलिक फाइबर, टो एंड टॉप्स एंड कास्ट पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसे स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, विंटर सीजन के लिए लेडीज एंड जेंट्स ड्रेस मटेरियल्स, मफलर्स एंड ग्लोव्स बनाया जाता है। इसकी मार्केट कैप 294 करोड़ रुपीज़ है, करंट प्राइस 33 रुपीज़ है, जो कि अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। इसकी ROC 25.3% एंड ROE 17.9% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 6 लाख रुपीज़ का डेप्ट है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट 40 करोड़ रुपीज़ है, यानी यह एक डेप्ट फ्री स्टॉक है। इसकी डेप टू इक्विटी 0 है एंड प्रमोटर होल्डिंग 65.9% है। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर के स्टॉक के बारे में बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। यूट्यूब के एल्गोरिदम लाइक्स के आधार पर वीडियो को अंडररेटेड या फिर आगे रेकमेंड करती है, इसीलिए आप सब इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है अजंता सोया लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली वनस्पति एंड वेरियस काइंड्स ऑफ कुकिंग ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है, जिसका इस्तेमाल बेकरीज में बिस्किट्स, पॉप्स एंड पेस्ट्रीज बनाने के लिए किया जाता है। इसकी मार्केट कैप 344 करोड़ रुपीज़ है, करंट प्राइस 42.70 रुपीज़ है। इसकी ROC 48.8% एंड ROE 41.1% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर कुछ भी डेप्ट नहीं है। इसकी नेट प्रॉफिट 44.5 करोड़ रुपीज़ है एंड प्रमोटर होल्डिंग 46.8% है। कंपनी के बहुत सारे प्रोस हैं, जैसे कि कंपनी ने अपनी डेप्ट कम किया है, डेप्ट फ्री है, लास्ट 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 45.7% है एंड लास्ट 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी 34.9% है। इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद भी डिविडेंड पे नहीं करती है। इतनी छोटी सी कंपनी से हमें डिविडेंड एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है एलिक्सर कैपिटल लिमिटेड। ये एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर है, जो शेयर्स के ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में एंगेज्ड है। उसके साथ साथ ये कंपनी रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसके मार्केट कैप सिर्फ 26 करोड़ रुपीज़ है, यानी ये एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। करंट प्राइस 44.80 रुपीज़ है, जबकि इसकी बुक वैल्यू 63.40 रुपीज़ है, यानी ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से भी लो प्राइस में ट्रेड कर रही है। इसकी स्टॉक पी 4.66 है, जबकि इंडस्ट्री पी 26.6 है, यानी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। इतनी छोटी सी कंपनी होने के बाद भी ये स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। इसकी डिविडेंड यील्ड 2.79% है। इसकी ROC 37% एंड ROE 29.2% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। कंपनी के ऊपर 9.17 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट 7.46 करोड़ रुपीज़ है एंड कंपनी के पास 4.46 करोड़ रुपीज़ का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी ये कंपनी अपनी डेप्ट इजीली क्लियर कर सकती है। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.25 है। सबसे बेस्ट थिंग ये है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग 71.3% है। इस स्टॉक के बहुत सारे प्रोस है, लेकिन एक भी कॉन्स नहीं है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी मार्केट कैप बहुत ही कम है, इसीलिए आप थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद एक मिनिमम अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है मेनन पिस्टन्स लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि पिस्टन्स, पिंस, रिंग्स एंड ऑटो शाफ्ट्स फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, पैसेंजर कार्स एंड हैवी ड्यूटी स्टेशनरी इंजिन्स। इसके मार्केट कैप 275 करोड़ रुपीज़ है, करंट प्राइस 54 रुपीज़ है। इसकी स्टॉक पी 15.1 है, जबकि इंडस्ट्री पी 23.4 है, यानी ये स्टॉक बहुत कम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी पे करती है। इसकी ROC 23.6% एंड ROE 20% है, जिसे कि अच्छा कंसीडर किया जाता है। कंपनी के ऊपर 27.4 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट 18.2 करोड़ रुपीज़ है। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.29 है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 74.4% है, जिसे कि अच्छा कंसीडर किया जाता है। इसकी फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। यह जनरली तब होती है जब कंपनी खुद को एक्सपेंड करने के लिए अपनी फ्री कैश फ्लो का इस्तेमाल करती है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब उस बोनस स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसमें SBI म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है।
लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लेके आते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम है शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स। आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करें। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में मैं आपको आईपीओ के टाइम से रेकमेंड कर रहा हूँ। रिसेंटली एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स 56.10% स्टेक्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 6.70% स्टेक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 22.12% स्टेक्स, जिसमें एसबीआई भी शामिल है, एंड रेस्ट 15.08% स्टेक्स पब्लिक होल्ड करते हैं। अगर आपको इस स्टॉक के बारे में डिटेल में जानना है तो फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर से चेक करें। इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, लेकिन डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके डिटेल वीडियो जरूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।